सब ब्लैक चमकादड़ लग रही है गाड़ी इस टाइम, सच में लग रही है, इसका तो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। अरे वाह, आपका दोस्त आर वी तो भाई आज आई है हमारे पास होंडा सिविक, तो मैं पहले भाई को ही बुलाऊंगा। क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप सुनाओ। बस बढ़िया भाई। यार क्या बना रखी है यार ये गाड़ी है, क्या है, और ऊपर से ब्लैक शीशे, भाई गजब की मॉडिफिकेशन है दोस्तों इसके अंदर। भाई पहली लुक में ही मेरे को भाग गई थी, भाई को मैंने रास्ते में से ही पकड़ लिया कि भाई मुझे इस गाड़ी को शूट करना है हाउ एंड हाउ। तो भाई साहब से 15 दिन से मैं बस ज़्यादा ही हो गए हैं कि भाई मेरे को शूट के लिए टाइम दे दो, तो फिर भाई की नर्व्स मैंने पकड़ ली थी, वो मैं बताऊंगा एंड में, तब जाके भाई ने शूट कराई है गाड़ी। तो हो भाई अलॉय व्हील्स देख भाई, भाई ये अलॉय व्हील्स क्या कुछ BMW के लग रहे हैं मेरे को यार, सच में तो इसका वो BMW वाला लोगो कहाँ गया? लोगो मैंने एक्चुअली अगर हम होंडा में BMW के लोगो लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने आफ्टर मार्केट लोगो लिए थे। ओके, तो वो लोगो एक्चुअली गाड़ी थोड़ी स्पीड में चली होगी। हाँ ये भी है कि भाई होंडा की गाड़ी है और BMW के हम लोगो लगा के लगते हैं तो इससे गंदा तो और क्या दिखने वाला है। खैर ओ भाई साहब, खुद की बेइज्जती वाली बात है, खुद की, सच में कह रहा हूँ खुद की बेइज्जती वाली बात है। और जो ब्लैक शीशे करा रखे मायने है गजब का है। बल्कि यार हमारे 90s के टाइम पे ये चीज़ें हुआ करती थी, हमारे केजरीवाल ने जो कांड हुआ निर्भया कांड, वो बहुत गंदा हुआ फिलहाल उस चीज़ के लिए तो मैं बोलूँगा, लेकिन यार ब्लैक शीशे की यार हमारी तो वो ही रहेगी, लेकिन भाई की कुछ बातचीत है शायद इस वजह से ब्लैक शीशे भाई ये चला रहा है, वरना तो हमारे तो लगवाएं और उसी टाइम उतर जाते हैं। ओहो हो स्पॉइलर, और ये पीछे यार ये गजब की चीज़ लगा रखी है भाई, ये क्या चीज़ है? किसी भी गाड़ी में नहीं दिखेगा। ओके, आपने भी इतनी वीडियो शूट करी होगी, आप राइड पे गाड़ियां देखते हो, हाँ जी, किसी भी गाड़ी में नहीं दिखेगा। क्या है, स्प्लिटर ही कहते हैं इसको, इसको स्प्लिटर ही कहते हैं। लेकिन बैक बम्पर का स्प्लिटर दिल्ली में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, आप कहीं पता कर लो। भाई गजब का लग रहा है दोस्तों, जो कॉम्बिनेशन स्प्लिटर्स का लगा रखा है। फिलहाल मैं पहले बताया था, मेरी ये वीडियो का मोटिव है कि अगर आप अपनी अकोर्ड या कोई भी एक ऐसी गाड़ी मॉडिफाई कराना चाहते हो तो इस तरीके से आप मॉडिफाई करा सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा ये वीडियो देख के कि हाँ हाँ क्या क्या चीज़ लग सकती है। तो मैं स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ, मैंने स्पॉइलर यहाँ पे लगा रखे हैं, सॉरी स्प्लिटर है, स्पॉइलर तो पीछे वाले होते हैं, तो स्प्लिटर्स ये लगवा रखे हैं। बॉडी किट ये फाइबर के हैं, ABS है तो देखो, और बाद में बीच में फ्लैशर लगा रखा है जो पुलिस वाले फिलहाल इसके ऊपर बैन है कुछ ऐसा कुछ, ये सिर्फ रील बनाने के काम आते हैं। हाँ ये भी है, कोई रील बनाने के लिए काम आते हैं। और साथ में हमारे ये गजब का लग रहा है यार, ये चीज LED लगी हुई है सारी, ये इसके अंदर पीछे फैन भी चल रहा है शायद इसका। हाँ जी भैया। अरे वाह, इसका क्या मतलब कि LED थोड़ी ठंडी रखता है ना। ओके ओके, प्रॉपर चलने के लिए। ओके, क्योंकि HID तो बहुत हीट मारती है लगाने का, उसमें वायरिंग भी बहुत होती है। हाँ जी, LED होती है स्नग फिट। ओके, सारी LED लग रही है गाड़ी में। गजब की भाई गाड़ी, बहुत गजब की बना रखी है। ये कहाँ से आइडिया आया इस गाड़ी को बनाने का भाई? भैया जैसे कि शुरू से ही शौक है। हाँ, जैसे कोई भाई मेरे को अगर जानता हो तो उन्होंने मेरी गाड़ियाँ देखी होंगी पहले भी। अच्छा आप मॉडिफिकेशन में भी लाइन में हो क्या? हाँ जी। ओके ओके ओके, भैया एक्चुअली मेरी सेल्फ फंड कार है जो कि मैं मॉडिफाइड कराता हूँ और सेल करता हूँ। खुद ही करते हो, सेल भी कर देते हो, तो ये सेल करने का है मूड? अभी तो 1 महीना हुआ है। अच्छा अभी 1 महीना हुआ ले, क्या बात है यार। तो भाई का चैनल भी है एस मनचंदा के नाम से, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। और भाई साइड प्रोफाइल में आपको दिखाऊं तो पूरी ब्लैक, यार ब्लैक होते ही गाड़ी की जान में जान आ जाती है भाई। अरे ब्लैक भी नॉर्मल नहीं है, इक्लिप्स ब्लैक है। इक्लिप्स ब्लैक। ओके, जैसे कि आप अगर प्रॉपर देख रहे हो धूप में, हाँ जी, गोल्डन शेड मार रही है गाड़ी। हाँ ये मार रही है थोड़ा ये। हाँ जी, और पूरी गाड़ी रैप्ड भी है, पूरी गाड़ी रैप्ड है इक्लिप्स ब्लैक में। ओके, ऐसे व्हाइट पे व्हाइट रेनबो चमकी है। हाँ, ऐसे ब्लैक पे गोल्डन चमकी है। ओके। तो भाई मैं साफ करके दिखा देता हूँ अगर आपको कुछ है। वैसे ब्लैक पे डस्ट बहुत जल्दी पकड़ता है, लेकिन दो बार साफ करनी पड़ती है ये तो है। लेकिन भाई जो चीज बना रखी है भाई, मैं उसके लिए सलूट बोलूंगा। ये तुम्हारा जो आइडिया है, और भाई ने एग्जॉस्ट भी लगा रखा है, बेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट, शेड पाइप एग्जॉस्ट नॉर्मल। ओके, गाड़ी का क्लच खत्म कर भाई, गजब की फोटो आ रही है पीछे से, लग रहा है तुम भगवान हो किशन, और पीछे जो सूरज की रोशनी आ रही है ना जो आपके सर के पीछे से, गजब की लग रही है। फिलहाल नंबर प्लेट हमने हटा दी है। तो भाई का चैनल भी है क्रिएटिव ऑटो के नाम से यूट्यूब पे है, तो यहाँ पे भाई ने यहाँ पे ब्लैक लाइफ लगवा रखा है, मतलब कि भाई क्या काली दुनिया, ऑल ब्लैक ऑल ब्लैक यहाँ दिख तो रहा है भाई, गजब का एक चीज आ रहा है। फिलहाल अलॉय व्हील्स हो गए हैं तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो, और लो एंड स्लो मीन गाड़ी नीचे है तो इसको स्लो चलाइए। ओके, मतलब कि पूरा दिमाग लगा के चीजें आपने कर रखी है, मतलब लिख भी रखा है लो एंड स्लो, गाड़ी नीची है
और स्लो चलाओ। ये तो ठीक है कि स्लो चलाएं गाड़ी तो बेटर है भाई। ये सीवी के यहाँ पे ये बहुत जबरदस्त इसका लगा हुआ है, तो ये सारा एक्चुअली मैंने कुछ डिजाइन करा है। ओके, ये बार फेंडर कट्स के लिए होते हैं, फेंडर कटवा के लगते हैं। ओके ओके, ये मैंने नंबर प्लेट, जिसकी नंबर प्लेट होती है ना मटेरियल, हाँ जी हाँ जी, मटेरियल का डिजाइन करवा के लगवाया भाई ने। यहाँ पे स्पॉइलर भी लगवा रखा है, एक स्पॉइलर ये हो गया और एक हमारा मिरर का स्पॉइलर ये हो गया। इसके नीचे लाइट भी जलती है, तो एक वजह ब्रेक लाइट है, तो ये नाइट में हम थोड़ा शूट कर लेंगे इसका। और बाकी पीछे आफ्टर मार्केट टेल लाइट्स लगा रखी हैं और उसके ऊपर आपने फिल्म स्मोक करवा, व्हाइट ग्लास में ही है। ओके, पर थोड़ा ग्लॉस लुक देने के लिए मैंने स्मोक करवाया। ओके, नहीं बहुत गजब की भाई गाड़ी, मैं दूर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओह हो भाई साहब, एक पूरा एक 360 व्यू मैं दे देता हूँ आपको। हमारे सूरज देवता भी सामने है जो इसकी रोशनी पूरी इस पर बरसा रहे हैं। लेकिन अरे यार भाई, क्या माइंड लेके आया भाई तूने, क्या सच में भाई क्रिएटिव, यूट्यूब चैनल भी क्रिएटिव उससे, और सच में भाई का क्रिएटिव माइंड है जो चल रही है। और क्या गजब की लग रही है यार। चलो बाकी तो बाहर से तो हो गया पूरा, ब्लैक शीशे में तो भाई गाड़ी कोई भी अच्छी लगेगी, लेकिन जो मॉडिफिकेशन का आइडिया जो भाई ने लगा रखा है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है ना। ज़्यादा कुछ नहीं, बस तरीके से सारी चीज़ लगा रखी है। आप चल, ओके, अरे वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। तो आप चलते हैं, अब हमारी अंदर की बारी है। तो अंदर ने भाई ने डीक्रोम करा रखा है अपने यहाँ पे, और हाइड्रो ट्रिप, ओ सॉरी यार, मेरे को भाई दोस्तों माफी चाहूँगा कि अभी मॉडिफिकेशन में इतना हाथ कच्चा है मेरा, सिस्टम से रिलेटेड आप में से कुछ भी पूछ सकते हो। तो मैं भाई से पूछूंगा कि ये क्या क्या करवा रखा है। ये हाइड्रो ड्रिप है, हाइड्रो ड्रिप, ठीक है। और बाग में एम्बिएंट लाइट, एम्बिएंट लाइट्स लगी हुई हैं, फूड एम्बिएंट लाइट्स भी लगी हुई हैं। ओके, और ये थोड़े अलग रोशनी आप इसकी देख रहे हो, हाँ कुछ येलो सा कुछ ज्यादा है, ये अलग ही लाइट। और रात के टाइम तो ऐसा जैसे सूरज मामा रहते गाड़ी में, क्या बात है। और भाई के दो टायर भी पड़े हैं, मैंने सुना है कि तुमने आजकल में इसको फाड़े हैं अपना, तो भाई थोड़ा शौकीन है, थोड़ा गेड़ी वेड़ी होती है ना वो सही लगाता है। और भाई का ये DSP है जो हमारा काम है, तो ये मैं लगाने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दिख जाएगा DSP। और सैटेलाइट स्पीकर लगा रखे हैं एक, भाई अंदर से गजब है भाई, मैं बाहर से एक बार दिखाई दूँ मैं ढंग से एक बार दोस्तों, अगर पूरा टूर सा देख लो हो, मतलब गाड़ी भाई ने जैसा खुद स्मार्ट है बंदा, वो गाड़ी भी अंदर से पूरी एक बढ़िया एकदम साफ सुथरी कर रखी, क्योंकि वो दिक्कत नहीं है भाई। टायर पीछे आ गए, चलो चलता है। तो बुलेट ट्विटर पीछे हैं, मिट्स लगा रखी है पाइनर के पीछे, अवतार की आगे, अवतार की आगे है, और आने वाले टाइम में आपको DSP मिल जाएगा। और ये भी ऐसे 100 या 150 सीरीज के, जिसमें कंप्रेसेड स्क्रीन आई थी। ओके, ये भी है तो भाई लिमिटेड, मतलब देखा होगा बटन आते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये भी चीज देख सकते हो कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है। ओ भाई साहब, भाई ब्लैक शीशे, सूरज की रोशनी भी नहीं चाहिए, आप सूरज को आराम से देख सकते हो उसके अंदर। देख सकते हो भाई, भाई पूरा एक बार 360 घुमा देता हूँ मैं, पूरा ब्लैक है फिलहाल, अभी कैमरे में इस हिसाब से दिख नहीं रहा, लेकिन आप एक बार हम थोड़ा शीशा खोल के दिखाते हैं तब दिख जाएगा। यूं करके भी देखो ना तब भी नहीं, मतलब कि जो बंदीबाजी करता है भाई उसके लिए तो भाई ये स्वर्ग है ये वाली गाड़ी। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, तो ये देख लो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, और ये चढ़ने के बाद ऐसा, इतना ही ब्लैक शीशे करा रखे हैं। तो भाई ये क्या रीज़न है, मतलब कि ब्लैक शीशे का, भाई हमारा तो साला 2 मिनट में कोई पकड़ ले तो 10-15 हज़ार रुपये का तो चलान है इसका, तो कैसे चला लेते हो मेरे भाई। भैया थोड़ा अपने एरिया में तो अपना ओके हो जाता है थोड़ा बहुत, अपने अपने एरिया की किस्मत, किस्मत की बात है ये भी है, किस्मत नहीं भाई, भैया की बातचीत है इसलिए कुछ बताना नहीं चाह रहे नहीं, कुछ हो जाता है फिलहाल। चलो बेटर है कि भाई ना पकड़े जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, बेटर है ना पकड़े जाए तो। एक नीचे की लाइट भी चलाओगे भी एक बार, नीचे की लाइट जल रही है बिल्कुल, हमने स्लो कर रखी है क्योंकि गाड़ी बिल्कुल ब्लैक है ना भैया, जितनी रोशनी होगी उतना बाहर दिखने में दिक्कत होगी, बिल्कुल लाइट कर रखी है, रात को बहुत प्यारा लुक ये चीज है। अब बारी है दोस्तों की, पूरी मॉडिफिकेशन मैंने आपको दिखा दी है इसके अंदर क्या क्या हो रखी है, अब बारी है म्यूजिक सिस्टम का। देखो सोने पे सुहागा क्या बोलते हैं वो इस गाड़ी को आप बोल सकते हो, जो एक कहावत है कि भाई मॉडिफिकेशन तो गजब की है ही है, साथ में म्यूजिक सिस्टम भी उसके ऊपर गजब का है। कि लोग कई क्या करते हैं कि मॉडिफिकेशन करा लेते हैं लेकिन सिस्टम में कंजूसी कर देते हैं, ये गाड़ी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है सिस्टम मॉडिफिकेशन और एक आई कैचिंग। गाड़ी के अंदर बैठोगे दो सबवूफर लगे हुए हैं, TS20 लगे हुए हैं, बुलेट ट्विटर मैंने आपको दिखा दिया, तो भाई को मैं एक बार डिग्गी खोल के बोलूंगा कि एक बार डिग्गी खोल दें, तो डिग्गी में दिखा देता हूं मैं कि क्या लगा हुआ है। तीन एम्प लगे हुए हैं भैया गाड़ी में,
तीन एम्प लगे हुए हैं जो हमारी मिड रेंज और सबवूफर्स को रन कर रहे हैं, और बेचारे की कैप उतर गई है। फिलहाल मैं भाई को बोलूँगा कि इसकी कैप को लाए, क्योंकि बेस में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। और साथ में भाई ने वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट स्ट्रेट पाइप एग्जॉस्ट, अच्छा स्ट्रेट पाइप एग्जॉस्ट है, भाई को बोलूँगा कि एक बार बूम करके दिखा दें। तो चलो दोस्तों, अब बारी है म्यूज़िक सिस्टम की, जो मेरी गाड़ी, जो मेरे चैनल का हमेशा फंडा रहा है। फिलहाल मॉडिफिकेशन वाली वीडियोस भी आती ही रहेंगी, ताकि आपको पता रहे कि हाँ, इस तरह की मॉडिफिकेशन आप करोगे तो ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। और भाई का नंबर मैं डाल दूंगा, बात करो, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। अपनी गाड़ी की मॉडिफिकेशन की जो भी राय लेनी है आप डायरेक्ट कर सकते हो। भी बहुत मैसेज आते हैं, ओके, सबको रिप्लाई जाता है। क्या बात है, यही बात होनी चाहिए। इस बात पे मैं हेलो मिलाऊंगा आपका, कि यही होना चाहिए कि आप सबको रिप्लाई करो। फिलहाल ये भी होता है यार, एक टाइम के बाद रिप्लाई आना भी बंद हो जाता है। नहीं भैया, रिप्लाई करता हूँ, यूट्यूब पर थोड़ा कमेंट्स में स्लो चला जाता हूँ, इंस्टा पे टाइम टू टाइम, मेरे दोनों चैनल पे रिप्लाई टाइम टू टाइम जाता है। चलो तो दोस्तों, भाई अपना बोल रहा है कि रिप्लाई करता है, तो जाओ सीखो, भाई से मिल भी सकते हो, अपॉइंटमेंट वगैरह लेके कुछ भी ऐसा आप कर सकते हो। तो अब बारी है म्यूजिक सिस्टम की, जो मेरा फेवरेट टॉपिक ऑलवेज है। तो चलते हैं, और डीएसपी मैं लगाने वाला हूँ उस गाड़ी के अंदर जल्दी। तो एक लुक दोबारा देख लो यार दोस्तों, ओए होए क्या, दोनों शीशे खोलना खोलना भैया, भाई साहब ब्लैक चमकादड़ लग रही है गाड़ी इस टाइम, सच में लग रही है यार, इसका तो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। अरे वाह क्या बात है, आई वाह भाई वाह वाह, एक सच में इधर आगे देख भाई, ब्लैक चमकादड़ नहीं होता, ब्लैट पूरा बैट बल्कि इसके आगे लिखवा दो, देख गजब की लग रही है। चलो अब चलते हैं, देरी ना करते, बहुत बकचोदियाँ हो गई हैं, तो अब चलते हैं गाड़ी का साउंड सुन। बारी है हमारे म्यूजिक सिस्टम की, तो फील द बेस चला दिया है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये है, और इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम 15 तक रखते हैं। ओके गाड़ी पूरी डैम्पिंग हो रखी है, तो इस वजह से थोड़ा शेक वेक का वो नहीं आएगा, लेकिन गजब का साउंड आ रहा है दोस्तों। दोस्तों अब बारी, सही आ रहा हूँ, बिल्कुल सही आ रहा हूँ, हाँ जी परफेक्ट। तो दोस्तों बारी है मेरी ड्राइव की, कैसी है। तो ये आपकी ऑटोमेटिक है पूरी, तो ऑटोमेटिक में पहले पार्किंग, रिवर्स, सबका अलग अलग रहता होगा, तो आपने पहले ब्रेक दबानी है, फिर उसके बाद में पीछे करनी है, हाँ जी। तो डी पे चलानी, डी मतलब ड्राइव, ड्राइव तो एस मतलब स्पोर्ट्स, और आपने हैंड ब्रेक भी जरूर खींचनी है, कभी पता लगे कि ब्रेक में घूम घूम कर रहे हो। तो गाड़ी हम स्टार्ट कर चुके हैं भाई, सिविक है भाई, 1800 सीसी का इंजन है इसका, और कम से कम 140 बीएचपी है, देती 145 है, तो भाई, और भाई ने सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बताऊंगा, सीएनजी नहीं है, वरना भाई कई लोगों की तो फटके हाथ में आ जाती है, सीएनजी लगा रखी है। और सबसे बढ़िया बात भाई, ब्लैक शीशे, क्या मजा है यार, कोई आपको देख ही नहीं सकता, आप क्या पी रहे हो, खा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ वो नहीं है। तो गाड़ी भागती है जबरदस्त, आगे का जो आप देख रहे हो इसका सिविक का टैकोमीटर, और ये गजब का है दोस्तों, गजब का है, बड़ा मजा आता है, एक फील होता है कि एक सारे कॉकपिट में बैठे हुए और गाड़ी उड़ने के लिए तैयार है आपका, बड़ी मस्त है। तो
भाई कभी वो तो बात हो ही चुकी है हमारे ब्लैक शीशे के अंदर कुछ है या नहीं है। वैसे पूरी नाइट राइड वाली है कि नाइट में चलाओ तो ज्यादा बेटर है कि कोई आपको देखने का वो है ही नहीं कि कोई पुलिस पकड़े या कुछ करे। दिन तो में भी निकाल लेते हैं भैया कभी कभार ओके, पर मोस्ट प्रेफरेबल नाइट में निकलती है। ओके, लेकिन अब तक कितना आप इसका चलान कटवा चुके हो अभी तक? कुछ भी नहीं भैया, बातचीत है भाई की, भाई पूरी बातचीत है, पूरा वो है। मैं भाई को बोलूंगा थोड़ा लाइट जला दे क्योंकि हमारे चेहरे थोड़े ब्लर ब्लर से आ रहे हैं, वैसी मेरी वीडियो आजकल कुछ अच्छी आ नहीं रही और पता नहीं क्या कर रहे हैं सब्सक्राइबर। 44,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं लेकिन व्यूज वही धीरे धीरे आते हैं। बढ़ाओ यार इसको, शेयर वेयर करो और गिव अवे आने वाले हैं इसी के लिए कर दो, क्योंकि मैं गिव अवे बिना उसके देता हूं। क्योंकि जो चीज मेरे को रिव्यू के लिए मिलती है, जैसे अभी ये गाड़ी रिव्यू के लिए मिली है भाई, क्या पता गिव अवे कर दे, मजाक की बात है। जैसे वूफर स्पीकर्स मेरे को ऑलवेज गिव अवे मिलते हैं क्योंकि रिव्यू करने के बाद वो चीज हमारी ही होती है, तो मैं उसको मैं ऐसे ही दे देता हूँ अपने पास, ना रख के ना उससे पैसे लेता ना मैं कुछ करता। बाकी क्या, ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा मेरा, गाड़ी में थोड़ा ज्यादा भगा नहीं सकता लेकिन गाड़ी भागने में आप देख सकते हो 50, 40, 60 मस्त भाई, मजा आ गया भाई। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको, रॉकेट की तरह है, रॉकेट की तरह भाई। इसका जो कॉकपिट है और जो पूरा आगे का फ्रंट है मस्त है। तो दोस्तों मॉडिफिकेशन ऊपर से सिस्टम जो मेरा फेवरेट है भाई, बहुत गजब की मॉडिफिकेशन है, बहुत गजब का सिस्टम भी लगा रखा है। आने वाले टाइम में मैं इसमें DSP लगाने वाला हूँ। अब बात आ जाती है भाई, गाड़ी सब पे होती है, चाह सबकी होती है, काले शीशे कराऊँ, मॉडिफिकेशन लगाऊँ, सिस्टम लगाऊँ, पता नहीं वगैरह वगैरह सब बात अटक जाती है हमारे 2500 पे। तो भाई कितना खर्चा आ गया, कोई ऐसी अकॉर्ड आपके पास लेके आता है तो क्या खर्चा आने वाला है और कितना क्या है? क्योंकि आपने इस पे रैपिंग पूरी करा रखी है ब्लैक कलर की, प्लस ये आपके स्पीकर्स हो गए हैं, ये हमारी LEDs हो गई हैं, ये भी स्मोक वाली हमारी लाइट हो गई है, जैसे कंपनी फिटेड लाइट है। पीछे जो स्पाइलर वगैरह लगा रखा है सारी चीज़ गाड़ी के अंदर आप देख सकते हो। तो भाई क्या दाम है या कभी सच बताऊँ तो कभी गिना नहीं, जो समझ आया वो लगा दिया। तो भाई कितना गिने भाई, कोई अगर आप लेके आए आपके पास तो कितना गिन के लेके आए? वो हर बंदे के ऊपर इच्छा होती है क्या क्या करवाना। ओके, अब कोई ऐसा नहीं आएगा कि मेरी गाड़ी सेम तैयार कर दो, कोई आया तो अगर 2.5-3 लाख रुपए मतलब अलॉय व्हील्स वगैरह ये सारा सिस्टम सब मिला के, तो यार ठीक है 2.5-3 लाख रुपए में कोई बुरी नहीं है कि भाई, क्योंकि भाई सिस्टम में 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। DSP लगा रहे हो सारी, प्लस जो टायर है, मानव को बोलूंगा मैं टायर में, जो भाई ने बोला है कि मैंने BMW के ओरिजिनल वाले लगा रखे हैं, टायर कम से कम 1-1.5 लाख रुपए के आ जाते हैं, लेकिन सेकंड हैंड है, अगर नए लेने जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो लेकिन भाई गजब की गाड़ी बना रखी है। भाई की एक और गाड़ी है होंडा अकॉर्ड, अकॉर्ड वो इससे भी थोड़ा अपग्रेड है, अपग्रेड है, तो वो भी आपको मेरे चैनल पे देखेगी। और उससे वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके आगे लाके बेल आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलती रहे। तो भाई मैं छोड़ जाता हूँ उस गाड़ी के बाद, मेरे को और ड्राइव करूँगा इस गाड़ी की, ड्राइव की वीडियो भी आपको उसके अंदर मैं डाल दूंगा भाई, मेरे को दे दो भाई ये गाड़ी। थैंक यू भाई, हमें तो एक आध महीने का शौक है बस। चलो भाई एक आध महीने के बाद में मेरे को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि भाई ये गाड़ी एक बार चलाऊं, लेकिन ब्लैक शीशे की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, ये कोई पकड़ा जाएगा तो भाई मैं क्रिएटिव वाले को छोड़ूंगा कि भाई इसमें दिखाई दो। तो अभी चलते हैं फिर, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है साथ में, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।